He's got जिसे ठीक 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम्हें कैंडेस और टॉमी के बारे में बताया था। टॉमी रातों रात एक राक्षस बन जाता है। ये दिखने में इतना भयानक है कि इसे देखकर कोई भी डर सकता है। टॉमी धीरे धीरे अपनी हदों से बाहर निकल रहा था, यानी कि अपनी ही माँ को खुद हरेस किया करता था, अपनी ही माँ को खुद टॉर्चर कर रहा था। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन टॉमी ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। ये एक्टिविटीज धीरे धीरे से बढ़ रही थी और टॉमी के पार्ट 1 की एंडिंग में टॉमी अपनी माँ को लेकर कहीं भाग जाता है और इन दोनों माँ बेटे का पता नहीं चलता है कि इन्हें जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, तुम जाकर पहले पार्ट 1 देख सकते हो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है, तो तभी तुम्हें पार्ट 2 की समझ लगेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आखिर मुझे कैसे पता चला कि टॉमी घर वापस आ चुका है? तो कहानी की शुरुआत टॉमी की बहन और कैंडेस की बेटी से होती है। ये पूरे 10 साल के बाद इस घर में वापस लौटी है क्योंकि ये बाहर कहीं गई हुई थी और इसे पार्का जी बताता कि तुम्हारा भाई तो राक्षस बन चुका है और वो तुम्हारी माँ को लेकर कहीं भाग गया है। तो खैर, ये अपने घर में आती और ना इसकी इसे माँ मिलती और ना इसका भाई मिलता है। तो इस घर के साथ ही एक जंगल है। ये लेडी इस जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, अपनी माँ को आवाजें लगाती है और तभी इस जंगल में इसको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर तो सामने टॉमी खड़ा हुआ ये भयानक राक्षस बन चुका है। तभी इसे ये रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है और ये जो क्लिप है ये पार्कज को यानी कि मुझे भेज देती है। यहाँ पर मैं तभी चेस्टर को कॉल करता हूँ, उसे कहता हूँ कि यार टॉमी मिल चुका है, तुम जल्दी आओ, हम इनके घर चलते हैं। तो हम जैसे इनके घर पर आते हैं तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने इनका दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से टॉमी की बहन निकलती है और इससे मैं बात करता हूँ। ये कहती है अंदर आ जाओ, यहाँ पर हमें कैंडेस भी मिल गई है और कैंडेस की तुम हालत देख सकते हो, ये तो पूरी बूढ़ी हो चुकी है। इस बेचारी की तो बहुत तबीयत खराब रहती है, इसे देख कर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये तो पिछले 50 सालों की मरीज हो, लेकिन अभी तो ठीक इसे 2 साल ही हुए हैं। खैर, मैं इससे काफ़ी देर बातचीत करता हूँ और सामने टॉमी खड़ा हुआ है। मैं टॉमी को कहता हूँ अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। तो ये औरत क्या कहती है? कैंडेस कहती है कि टॉमी तो अच्छा बच्चा है, लेकिन हकीकत में ये सारी टॉमी की बदौलत है। अभी जो इसकी हालत है ये टॉमी की वजह से हुई है। कैंडेस, listen, I don't know what's been going on in this house or if your son's been hurting you, but we're here now. We're going to help you with Tommy. It's okay. Tommy's a good boy. Okay, Candace. We're gonna go talk to your son real quick. No, why? Come on, let's go to his room. Bro! All right, I'm gonna knock on this kid's door. Okay. खैर, मैंने जैसे टॉमी के कमरे का दरवाजा नॉक किया और दरवाजे को जैसे ही खोला तो तुम लोग देख सकते हो टॉमी अंदर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, यानी कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो पहले से ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तुम लोग यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। Tommy, listen, the way you've been behaving is unacceptable. And we know you've been disrespecting your mother. What did he say? Thomas, if you don't stop misbehaving, we're gonna take your mom away and leave you here alone. I think he'll start acting better now. Bro, are you okay? This kid has gone too far. Come on, we have to tell Candace about this. Dude! और यहाँ पर अब तुम लोग देख सकते हो कि कैंडेस की बेटी उसको नहला रही है और उसकी पीठ पर देखो कितने निशान हैं। और इन सब से तो यही लगता है कि टॉमी इसे बहुत टॉर्चर करता है, इसे मारता है, पीटता है। इसकी हालत देखकर तुम लोग डर सकते हो, मैं खुद डर चुका हूँ। What happened to her back? Let's go. We shouldn't be watching this. Bro, something terrible is going on here. She's black, white marks all over her skin. What do
What does she mean she let him do this? Did Tommy do that to her? Probably. Well, we gotta ask her. Let's set up some cameras while we wait for her to finish her bath. Bro! तो अब वक्त आ चुका है इस पूरे घर में कैमरास लगाने का। मैं कोशिश करूंगा कि टॉमी की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करूं। तो मैंने जगह जगह पर गोप्रोस रख दिए हैं। मैंने बहुत सारे गोप्रो कैमरा लगाए हैं ताकि टॉमी की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाऊं। तो खैर आखिरी कैमरा यहां पर रखता हूं और उसके बाद कैंडिस के कमरे में जाता हूं। मैं जैसे ही कैंडिस के कमरे के पास आता हूं कैमरा लगाने के लिए, तो कैंडिस के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे को नॉक करने की कोशिश की है, लेकिन दरवाजा अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। मैंने जैसे दरवाजे को खोल कर देखा है तो तुम लोग देख सकते हो। नो यार, ये तो कैंडिस को खा रही है, तो अपनी माँ को ही खून चूस रहा है। तुम लोग देख सकते हो, ये टॉमी अपनी माँ का खून चूसते हुए रिकॉर्ड हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? What the hell is he doing? He's sucking your back. Let's go tell Doris. Okay. मैं भागते भागते कैंडिस की बेटी के पास जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इसे कहता हूँ कि तुम सोना मत, नहीं तो तुम्हारा भी तुम्हारी माँ जैसा हाल होगा। खैर हम लोग यहाँ अपने रूम में आ जाते, सोने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम ये मत समझना कि हम लोग सही से सो रहे हैं, हम तो नाटक कर रहे हैं। तो खैर तुम लोग इस वीडियो को देखो कि आगे क्या होता है, हम लोग थोड़ा नाटक करते हैं। The fact that we're even here right now is a blessing. We can't leave Candace again. She's not safe here with Tommy. Yeah, neither are we. Listen, Doris mentioned that Tommy's been acting even worse. We have to record him tonight to see what he's been doing. Let's just go to sleep. Bro! Fine. Good night. ये दोनों चम्मल लंडूरे क्या कह रहे थे कि हम सोने का नाटक कर रहे हैं? सालों तुम लोग सही से सो चुके हो, तुम लोग गहरी नींद में हो। उठ जाओ, वो राक्षस उठ चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं बिचारी कैंडिस की, क्यों जान को दांव पे लगा रहे हो? ये दोनों तो बिल्कुल नींद में टून हो चुके हैं और यहाँ पर टॉमी बाहर जाने की तैयारी भी कर रहा है। टॉमी बाहर जा चुका है और जब ये दूसरे रूम में आता तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ की सफाई करने लगता है और फिर अचानक ये कैंडिस के कमरे में आ जाता है और उसका खून चूस लगता है। जैसे ही सुबह होती है इन दोनों चमन लंडूरों की अब आंख खुली है, सॉरी कहते हैं सॉरी यार, हमें नींद आ गई। अबे तुम लोग फिर आते क्यों हो यार? तो खैर ये लोग यहाँ पर कैंडिस को सीसीटीवी दिखाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है, वो शैतान है शैतान, उसने तुम्हें ऐसा बना दिया है और तुम कहती हो कि वो तो अच्छा लड़का है। बोलती मुझे नहीं पता है, कैंडिस कहती है मुझे तो नहीं पता था इस बात का। ये लोग सीसीटीवी दिखाते तो कैंडिस रोने लग जाती, बेचारी इमोशनल हो जाती है। Dude, there is. It looks like he's carrying something. Candace, do you know what that is? I don't want to know. Now he's chewing something. What's he eating? And he went into the hallway and then into your room. Candace, he's sucking you again. I know. Candace, this is not normal. You need to pack your bags and get out of the house with me. I can't. You know I can't leave him. He's hurting you. You don't have much time left. He's sucking out your insides. I can't leave my son. That thing isn't even your son. What does she mean? Okay, well, we need to go to Tommy's room to see what he was eating. No, he rests at this time. Okay, whatever. Then we're gonna have to stay another night. Dude, no. तो खैर इसके बाद आगे क्या होता है वो तुम लोग अभी खुद देखोगे। ये अगली रात का फुटेज है। Sir, what did you find?
I don't know. Oh my God. Dude, what the hell is he keeping in this bucket? What? Dude, it talked to me. I don't know, but let's block off his window before he gets back. Bro! हालांकि इन दोनों ने बहुत ही दिमाग लगाया और उसकी विंडो को लकड़ियों से बंद भी किया, लेकिन फिर भी टॉमी तो यहाँ से बाहर निकल ही जाता है और इन दोनों को खबर तक नहीं होती है कि बाहर क्या हो रहा है, कैंडिस बिचारी के साथ क्या क्या चल रहा है। तो ये राक्षस कितना भयानक है तुम लोग देख सकते हो, अपनी ही माँ को मारने लगता है, उसका खून चूसने लगता है। तभी इनकी आँख खुल जाती है और ये लोग पीछा करते हैं, कैंडिस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो कैंडिस को बाहर ले जाता है अपने साथ ले जाता है। अब उस बेचारी के साथ क्या करेगा इस बारे में कोई नहीं जानता है। की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई है, तो भाई अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।